ऑप्शनल से क्वेश्चन बिहार से जोड़ के था, जैसे कि पूछा गया कि जेपी नारायण जो थे उन्होंने एक क्रांति चलाई थी, उसका नाम क्या था, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। मदन मोहन मालवीय जी का उन्होंने क्या, उनकी क्या राइटिंग थी, उनकी राइटिंग के बारे में बताना था। सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा हुआ था, और सेक्रेटेरिएट में जो 7 लोग जो शहीद हो गए थे उनके बारे में पूछा गया था। ओवरऑल बात करूँ तो आपका जो इंटरव्यू था वो कितने देर चला और कितने परसेंट क्वेश्चन का आपने रिस्पॉन्ड किया है पॉजिटिव तरीके से? मेरा इंटरव्यू 15 मिनट चला था और मुझे लगता है कि मैंने 70% आंसर किया, 30% नहीं किया मैंने। मैम कुछ ऐसा क्वेश्चन वगैरह जैसे कि ब्लैंक हो जाना और ऐसा शॉक टाइप का होना कि अरे ये कैसे पूछ दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन में रखा गया था? नहीं, लेकिन वो मेरे से वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे, जैसे हाँ काउंटर क्वेश्चंस हुए हैं 2-3 जगह, लेकिन मैंने वहाँ पे सॉरी बोल के मैं निकल गई थी। सॉरी मैम से जानेंगे, मैम से कैसे कैसे क्वेश्चन पुट अप किए गए थे और मैम का ये अटेम्प्ट कौन सा था, कैसे इन्होंने प्रेशर को हैंडल किया है और मैम का अब तक का जर्नी और कैसे इन्होंने स्ट्रेटेजी फॉलो किया था यहाँ पहुँचने के लिए। और यदि आप लोग को मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना बोले। मैम सबसे पहले यहाँ पे आप इंटरव्यू देने आई हैं, आपको से कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका नाम क्या और एकेडमिक बैकग्राउंड? मेरा नाम ज्योति रानी है और मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। आपका अटेम्प्ट कौन सा था, मीडियम क्या रहा? मेरा पहला अटेम्प्ट था इंग्लिश मीडियम से था जी। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से थे? हिस्ट्री ऑप्शनल था मेरा। आपका बोर्ड मेंबर कौन सा था, पैनलिस्ट कौन थे और कितने उस मेंबर थे? सर मेरे चेयरमैन जो अरुण भगत सर थे और बाकी 4 मेंबर और थे। डेफ बेस किस किस टाइप के क्वेश्चन थे और बेसिकली खास करके हॉबी में क्या आपका था और उस पर क्वेश्चन किस टाइप के पुट अप किए गए? जी मेरे से हॉबी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मेरे से डायरेक्टली पूछा गया कि आप 2020 में ग्रेजुएट हो, मतलब आप कोविड के टाइम के हो, तो और बस पूछा गया कि आपने बीटेक कहाँ से किया है और बेसिकली मेरे से हिस्ट्री ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे गए और बिहार रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। करंट वगैरह कुछ क्वेश्चन वगैरह बना? नहीं सर, मेरे से करंट के भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। और ऑप्शनल पे क्वेश्चन किस टाइप से रखे गए? जी मैम पहले अटैम्प्ट में यहाँ पे आप पहुँची हैं, इंटरव्यू तक पहुँची हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि पहले अटैम्प्ट वो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं अपनी प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी बताइए और जो है कि खास करके बुक लिस्ट वगैरह आपने कौन कौन से खोला? देखिए क्योंकि मेरा ये पहला ही अटैम्प्ट था और बीटेक के तुरंत बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने बेसिक एनसीईआरटी पढ़े और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एनालाइज किया था और टेस्ट सीरीज दिया था मैंने, इससे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। मेंस के टाइम पे भी मैंने मतलब कि जो भी सिलेबस होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको एनालाइज किया था और फिर मैंने कंटेंट तैयार किया और मतलब प्रॉपर तरीके से मैंने टेस्ट सीरीज दिया था, शायद इसी का मतलब राइटिंग का जो प्रैक्टिस था ना इसकी वजह से मैं मेंस क्लियर कर पाई हूँ। जी बुक लिस्ट वगैरह जो एडवांस बुक लिस्ट होते हैं वो आपने फॉलो किया? नहीं क्योंकि मेरा ये पहला ही अटेम्प्ट था तो मैं बेसिक ही बुक मैं फॉलो कर पाई थी। हाँ सर बड़ी बात है मैम, एनसीईआरटी आपने फॉलो कर यहाँ तक पहुँच गई है। मैम मेंस की बात कर रहा है तो मेंस में सर राइटिंग स्किल कैसे आपने बेटर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप यहाँ पे इंटरव्यू तक आई हैं तो आपकी राइटिंग स्किल जो होगा डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होगा स्टार्टिंग में, बट अच्छा नहीं होगा, आप उस पर बहुत काम करी होंगी तो कैसे उसको बेटर और बेस्ट किया आपने? हाँ देखिए राइटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इनिशियली, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप समय पर लिख भी नहीं पा रहे हैं, कंटेंट भी नहीं आता है, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ धीरे 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 कंसिस्टेंसी जब हम रखते हैं तो ये आ जाता है एट द एंड में। बिहार का जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम इसमें मेंस की बात करी जाए तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन लिखा जाए, बुलेट फॉर्म में, पैराग्राफ में, किस टाइप से बेसिकली किस टाइप से लिखना बेटर होगा? अगर मेंस की बात की जाए तो पैराग्राफ मतलब ऐसा नहीं है कि बस पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखेगा तो मिल जाएगा आपको, आपको टू द पॉइंट होना पड़ेगा और जितना भी हो सके मतलब एकदम डाइवर्स आंसर लिखना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशंस को कवर करना पड़ेगा और पैराग्राफ और दोनों मिक्स करके आप लिखें। मैंने अपने कहीं से कोचिंग वगैरह लिया था, कोचिंग कितना बेनिफिट मिला और कोचिंग यदि नहीं लिया था आपने तो बिना कोचिंग आपने कैसे किया इसको? मैंने कोचिंग नहीं लिया, मैंने प्रीलिम्स से लेके अभी तक सेल्फ स्टडी ही किया है मैंने और मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ एक गाइडेंस चाहिए होता है जो मुझे टेस्ट सीरीज़ के थ्रू मिल गया था और बस। आप एकेडमी के दिनों में कैसे थी, पढ़ने में कैसे थी, उन्हार थी, डल थी, एवरेज थी, कैसे थी? ऐसा कोई कंसेप्ट है कि जो आते हैं स्टूडेंट इंटरव्यू तक पहुंचते हैं काफ़ी उन्हार होते हैं, पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट होते होंगे, कैसे थी आप पढ़ने? नहीं मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन हाँ मैं एवरेज से थोड़ी ऊपर थी, तो मतलब जैसे कि एकेडमिक में अगर परसेंटेज वगैरह पूछेंगे तो 10th में मैंने 9.6 CGPA से किया और ऐसा नहीं है कि मतलब सिंपल स्कूल से ही किया था मैंने और 12th में मेरे 87% आए और ग्रेजुएशन में 80%। आप इंटेलिजेंट थे, कोई डाउट नहीं? नहीं ऐसा नहीं, मार्क्स स्कोर करने से हम इंटेलिजेंसी को मेज़र नहीं कर सकते हैं और हर एग्ज़ाम के अपने आप अलग अलग डिमांड होते हैं, बस यही है कि अगर रेगुलर
मतलब 8 से 10 घंटे भी पढ़ाई की जाए ना रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ तो क्लियर किया जा सकता है। मतलब 18-18 घंटे पढ़ने का जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं वो क्या हवाबाजी होती है? देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी, हाँ देखिए ये मैं नहीं कहूँगी कि हवाबाजी होती है, क्योंकि मैं मतलब जब भी बस टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करना, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो उसको एफिशिएंटली यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको अगले 1 घंटे में आपको नींद आ रही है तो ज़बरदस्ती मत पढ़िए, आप सो जाइए फिर आप फ्रेश माइंड से पढ़िए, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी को तो मेंटेन करना पड़ेगा जी। मैम बीटेक वाले अब जैसे कि यूपीएससी में आईआईटी वाले एनआईटी वाले बीटेक वाले बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो ह्यूमिनिटीज वाले होते हैं आर्ट्स वाले होते हैं कहीं ना कहीं परेशान होते हैं कि यहाँ पे भी बीटेक वाले हम लोग का सीट लेके जा रहे हैं। कहाँ से मोटिवेशन मिल रहा है मतलब कि बीटेक करने के बाद भी सिविल सर्विस में आने का? देखिए बीटेक करने के बाद सिविल सर्विस में आने का मोटिवेशन नहीं मिलता है एक्चुअली, ये कहीं ना कहीं आपके मतलब बिहेवियर में होता है ये चीज़ कि आप क्या चाहते हो अपने लाइफ से। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मतलब डाइवर्स जॉब है तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा जॉब है। तो रहा बात बीटेक वालों के लिए, तो मतलब मैं ये बोलूँगी ना कि जब वो बीटेक करते हैं ना वो 4 साल में तो प्रेशर हैंडलिंग सीख जाते हैं, बहुत एनालिटिकल हो जाते हैं, शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ हेल्प करता है इस एग्ज़ाम को मतलब बाकियों से थोड़ा अलग करने में। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आर्ट्स यूनिटी वाले क्या साइंटिफिक तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं? इस तरह से बीटेक वाले मेडिकल वाले इस तरह पढ़ते हैं, साइंटिफिक उनका स्टडी होता है कहीं ना कहीं, तो आप चूँकि तो उस बैकग्राउंड से, लेकिन आप ये रियलाइज करते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ की कमी है? जी मैं आर्ट्स वालों को तो मैं कुछ नहीं बोल सकती उनके, क्योंकि बस मैं ये बोल सकती हूँ कि जब हम बीटेक में 4 साल होते हैं ना तो हम मतलब हम इतना स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, हम क्या स्किप कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी भी काम आती है एग्जाम में। मैम कंटेंट कैसे ज़्यादा समय तक कैरी करे अपने माइंड में, यानी कि रिवीजन वाली टेक्निक आपका क्या था? जैसे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसको कैसे रिवाइज किया जाए, उसका बेसिकली पैटर्न क्या होना चाहिए, आपने कैसे किया? देखिए इस एग्ज़ाम का तो सबसे बड़ा मतलब मूल सूत्र ही मान लीजिए कि रिवीजन ही है। जब तक आप भले ही बहुत सारा पढ़ लेकिन रिवाइज नहीं करेंगे तो नहीं सक्सेस मिलेगा। मैं बेसिकली क्या करती थी, मैं चीज़ों को पहले फर्स्ट गो में पढ़ती थी, फिर सेकेंड गो, थर्ड गो, और फिर उसके बाद 1 वीक के बाद उसको वापस रिवाइज करती थी मैं। तो फिर मतलब ये एक अल्टरनेट मतलब वीक में जो रिवीजन होता है ना वो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में सेट हो जाता है, मतलब जितना मल्टीपल रिवीजन करिए वो दिमाग में सेट होता है चीज़ें जी। मैम अब जो कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 2-3 महीने बाद, जब भी हो हम ईश्वर से विश करते हैं कि आपको सिमेंटने की नौबत ना आए, पहले ही आपका पीडीएफ में नाम आ जाए, ठीक है? लेकिन जो भी आप एस्पिरेंट बैठ रहे हैं वो किस तरीके का किस स्ट्रेटेजी होता है कि वो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर सके? जी देखिए जो बीपीएससी है वो 3 स्टेज का है, और जिसमें मैं बोलूँगी प्रीलिम्स और मेंस, ये का हॉलिस्टिक तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो टाइम कंस्ट्रेंट था तो मैंने पहले स्टेज में प्रीलिम्स किया और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं और अच्छा प्रिपरेशन कर सकती थी। तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग हॉलिस्टिक वे में तैयारी करिए, बेसिक एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिए और टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए जी। मैम लास्ट मैसेज जो एस्पिरेंट आपको सुनने के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि बीपीएससी बहुत मुश्किल है या फिर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के नहीं कर सकते या हिंदी मीडियम वाले, आप अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा, और कोई भी मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा जो मतलब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जो आपको हिंडर कर रहा हो ऐसी कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, आप सोच लीजिए और आप कर जाइए। थैंक यू सो मच, इस बार सर्विस करते हैं, फाइनलिस्ट में नाम है आपका और आपके साथ प्रॉपर इंटरव्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।